योगिता ने ब्रोकली खरीद ली है। यो मामा हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ एक सेकंड में ही योगिता का कोरोना टेस्ट हो गया है और शाम को यहाँ पे हमें रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो चाइना में बहुत सारी जगहों पे इस तरह की जो है मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे कि आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे सामने एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे कि बच्चों को इंजेक्शन लगता है। कल हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। हमारी सिटी में अब जो है गर्मी होना शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी और मौसम काफ़ी अच्छा है, ब्लू स्काई है, क्लीन एयर है। यहाँ का नॉर्थ चाइना का ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फ्रेश एयर रहती है। सिटी में भी काफ़ी अच्छी एयर आपको यहाँ पे मिल जाती है आराम से। हाँ शम्मा सोचरी में मीठे चीज़ें हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है चीन की सबसे सुपर फास्ट होम डिलीवरी सर्विस। हेलो गाइस लेट्स गो, वी आर गोइंग टू सुपरमार्केट फॉर सम एप्पल फॉर आमन राइट। ओके लेट्स गो टू बाय सम एप्पल। अरे हम खुद हिमाचल वाले हैं लेकिन आज देखो भाई चाइना में यहाँ पे सुपरमार्केट में सेब खरीदने पड़ रहे हमें। अच्छा दोस्तों ये देखो जैसा इंडिया में हमारा बुलेट होता है ना उसी तरह का चाइना में ये एक बाइक है। कमेंट में बताना भाई है इसका कुछ बुलेट से मुकाबला, मुझे तो अच्छी नहीं लगती उतनी। ये इसका ब्रांड है देखिए भाई, बुलेट की तो शान ही अलग है यार। मुझे स्टार्टिंग में ये अच्छी लगी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं है भाई साहब। ये देखिए 50 लोगों का काम एक बार में होता है। ये मशीन देखिए इलेक्ट्रिक है, इसमें मोटर वोटर लगी हुई है। बड़े भारी भरकम सामान को खींच के नहीं ले जाना, इसके ऊपर बैठ के लेके जाओ। हर चीज़ को इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया भाई। ये देखो ऐसा जुगाड़ सा बना दिया मस्त एकदम। हेलो सो गाइस यहाँ पे आपको जो है क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है, योगिता ने ऑलरेडी कर दिया है। वाओ ये देखिए यहाँ पे ये एप्पल भाई, हमारे कश्मीर के एप्पल एकदम नंबर वन होते हैं। ये देखिए भाई ये हैं 80 रुपए किलो के हिसाब से। और ये वाले भाई, ये वाले एप्पल देखो थोड़ी अच्छी पैकिंग में 9.9 10 युआन के आधा किलो। ओ माय गॉड, मतलब भाई साहब ये 200 रुपए किलो है ये। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी हरी सब्जियाँ, बस आपके पास इंडियन मसाले होने चाहिए, सब्जियाँ सब मिल जाती हैं, आप खुद से घर पे पका सकते हैं। वाह ये छोटे वाले कद्दू, शायद कद्दू ही बोलते हैं इसको। योगिता ने ब्रोकली खरीद ली है। वाह हाउ मच योगिता? गाइस यहाँ पे देखिए चाइना में सुपरमार्केट के अंदर आपको बहुत सारी टाइप्स की यहाँ पे नूडल मिल जाती है। मैं 1.8 युआन पर हाफ केजी। आज जो है गर्मियों का मौसम आ गया है और आपको जो है तरबूज सस्ता मिल जाता है। एक ब्रोकली हमें पड़ी है यहाँ पे 4.3 युआन, बहुत छोटी सी। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है हमें ये तरबूज पड़ा है 10.5 युआन का, 100 रुपए का मान लो गाइस, 100 रुपए में आपको ये तरबूज, छोटा सा तरबूज 100 रुपए में। भाई इंडिया में 100 रुपए में कितना तरबूज मिलेगा? यहाँ पे फ्रूट्स बहुत महंगे मिलते हैं नॉर्थ चाइना में। और अब यहाँ पे होगी पेमेंट, सो पेमेंट के लिए यहाँ पे बहुत इजी है, जरा सा कोड को स्कैन करना होता है। वाह यार ये अखरोट बहुत अच्छे हैं भाई, बिल्कुल इसकी जो वॉल है बहुत पतली पतली वॉल है, बहुत अच्छे अखरोट हैं।
ये आई थिंक ये शिनजांग की तरफ से आते हैं। जहाँ भी जाती है अमन के लिए टॉयज देखना शुरू कर देती है। और घर पे इतने सारे हो गए भाई। ए योगिता यहाँ पे मैथ आ गए, मैथ था, मैच हो जाएगा है। मैं हो जा सर्दियों के टाइम पे फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, गर्मियों में यहाँ पे फ्रूट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं। ये देखिए हर कोई अपनी अपनी गाड़ी को इस तरह से बना के लाता है। स्ट्रॉबेरी बेची जा रही है वहाँ पे सामने, स्ट्रॉबेरी। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आंटी जी कुछ बेच रही है, इनका कुछ फेस्टिवल आ रहा है। जैसे हमारा होता है हिंदू लोग हम रेड कलर को यूज़ करते ज़्यादा, वैसे इनके यहाँ पे भी कुछ यूज़ होता है फेस्टिवल पे। ये समझ रहा हूँ योगी तुआर फेस्टिवल के टाइम पे ये पहनते हैं लोग। जैसे हमारा राखी का फेस्टिवल होता है, खैर उसका तो अलग ही चीज़ है, लेकिन बहन भाई का फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल पे भी लोग पहनते हैं इस तरह का। घर पे खुद बनाते हैं ये लोग, बुजुर्ग लोग। यो मामा, तो यहाँ पे हमने अमन के लिए एक सिलेक्ट किया छोटा सा, तो आएगा वो ख्वाहिश है। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कल से फिर से ठंड शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की खेलने की जगह, कुछ लोग नीचे ही लेट गए हैं वहाँ पे, लेकिन आज बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं बाहर। भाई साहब पूरा दिन भागता रहता है आपका भतीजा। वहाँ पे थोड़ा बड़े वाले बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे लेके आ गया था मैं साइड पे, लेकिन मानता नहीं है। ये लो जी आ गया अमन का फ्रेंड मोमो। भाई ये बच्चा दिल का बहुत बड़ा है और दिल का बहुत साफ है सच में यार, अपने सारे टॉयज दे देता है अमन को और चाइनीज बोलता है। पर ये बच्चा भाई, इसकी मम्मा चाइनीज है, पापा इसके, ये देखिए।弟弟已经跟大哥一起欢呼了，嗯，绿色的更快了。他拿两个他不会其实。ओ भाई साहब अमन का बेस्ट फ्रेंड मिल गया उसे मुम्मू। ये छोटा बच्चा इसका नाम मुम्मू है। और अमन उसके पीछे भागता है, जहाँ वो पानी में जाता है अपने टॉयज गिरा देता है पानी में। उसके पापा के लिए मुसीबत करके रखी होती है उसने। अमन भी उसके पीछे पीछे भागता है और सारे बच्चे पीछे भागते हैं। बहुत सॉलिड है भाई ये मुम्मू सच में, अलग ही तूफान है ये। भाई साहब ये देखो, ये सो गाइस इसे मिल रही खुशी कीचड़ में खेलने से। वैसे यहाँ पे कीचड़ तो था नहीं, ये पाइप इन्होंने बच्चों ने खोल दी यहाँ पे, पानी पानी कर दिया भाई यहाँ पे आज। वाह, तेरे कैमरे पे भी लगा दिया तूने। जम वन टू थ्री जम। अमन के कपड़े गंदे हो गए, इसलिए गाइस हम लोग अभी के अभी घर वापस जा रहे हैं। ये देखिए इसका क्या क्या हाल कर दिया इसने,
आज तक मैंने पूरी सोसाइटी में ऐसा बच्चा नहीं देखा भाई। लेकिन हाँ भाई, जो बचपन के दिन हमारे थे वैसे ही एंजॉय कर रहा है ये आजकल। चाइना में लॉकडाउन खत्म, फिर से वही भीड़ भाड़, फिर से वही मौज मस्ती। ये देखिए भाई, स्ट्रीट फूड, फिर से वही होम डिलीवरी, सब कुछ नॉर्मल। सामने योगा सेंटर है, चाइनीज में लिखा है, बीच में हिंदी में दृढ़ता और अटूट। ये देखिए भाई, चाइना का स्ट्रीट फूड। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर गैस सिलेंडर लगा के काफी अच्छा बनाते हैं।好，刷吧。这样上线啊。